और अब बारी सिनेमा गुरु की। आज हम आपको बताएंगे एक्टर जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार जी के बारे में 10 ऐसी बातें जो शायद आपने नहीं सुनी। दोस्तों लगभग 82 फिल्मों में अभिनय करने वाले जुबली कुमार यानी राजेंद्र कुमार जी पहले बतौर असिस्टेंट HS रावल जी के वहां काम किया करते थे और उन्हें सबसे पहली बार फिल्म में काम करने का मौका मिला फिल्म जोगन में। एक बहुत छोटी सी भूमिका थी उनकी और उन्होंने अपने अभिनय के दम से अपनी क्षमता से उस छोटी सी भूमिका में जान डाल दिया और उसके बाद उनके पास फिल्मों का तांता लग गया। दोस्तों राजेंद्र कुमार साहब के स्टारडम का आलम ऐसा था कि एक ही शहर के अलग अलग सिनेमा घरों में उनकी कई सारी फिल्में लगा करती थी और सारी फिल्में सिल्वर जुबली हुआ करती थी और इसीलिए दर्शकों ने बॉलीवुड ने उन्हें नाम दिया जुबली कुमार। दोस्तों राजेंद्र कुमार साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्हें भगवान का अद्भुत वरदान मिला था। वो कॉमेडी भी शानदार करते थे, ट्रेजेडी भी जबरदस्त करते थे, एक्शन भी कर लिया करते थे और सबसे बड़ी बात जिस फिल्म की स्क्रिप्ट वो चुनते थे वो फिल्म सिल्वर जुबली जरूर होती थी। दोस्तों राजेंद्र कुमार जी की लाइफ पार्टनर थी शुक्ला जी, उनका यही नाम प्रचलित रहा है और उनसे उनकी दो पुत्रियां और एक बेटे कुमार गौरव साहब हैं। कुमार गौरव को लेके राजेंद्र कुमार जी ने फिल्म बनाई थी लव स्टोरी। इस फिल्म में उनके साथ संजय दत्त भी थे और आपको जान के हैरानी होगी कि संजय दत्त जी की छोटी बहन से कुमार गौरव की शादी हुई है। दोस्तों राजेंद्र कुमार साहब जब फिल्म मेरे महबूब कर रहे थे तो इस फिल्म में हीरोइन के लिए चुना गया था साधना जी को, लेकिन साधना जी ये फिल्म नहीं करना चाहती थी। तब उन्हें ऋषिदा यानी ऋषिकेश मुखर्जी ने समझाया कि देखो साधना, इस फिल्म की स्क्रिप्ट को राजेंद्र कुमार ने हाँ कहा है, यानी यकीनन ये फिल्म सिल्वर जुबली होगी, तुम्हें ये फिल्म करनी चाहिए। बस क्या, फिर साधना जी ने फटाफट इस फिल्म को हाँ कह दिया और ये बात सच हुई। मेरे महबूब फिल्म बहुत बड़ी हिट हुई थी। दोस्तों समय के अनुसार अगर एक्टर अपने आप को ढालता रहे तो वो लंबे समय तक काम करता है। उसे इस बात की समझ होनी चाहिए कि उसे किस तरह की भूमिकाएं करनी चाहिए। इस बात को राजेंद्र कुमार साहब बाखूबी समझते थे। फिल्म साजन बिन सुहागन के बाद वो समझ गए थे कि मेन लीड में वो नहीं चल पाएंगे, इसलिए वो छोटी छोटी भूमिका में नजर आने लगे ताकि दर्शकों का मनोरंजन कर सकें, दर्शकों को प्यार देते रहें, दर्शकों से प्यार पाते रहें। और राजेंद्र कुमार साहब 1998 में अंतिम बार नजर आए फिल्म अर्थ में। दोस्तों राजेंद्र कुमार साहब ने अपने समय की हर हीरोइंस के साथ काम किया लेकिन उनकी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद की गई साधना जी के साथ। साधना जी को भी उनके साथ काम करने में बहुत मजा आता था। साधना जी ने अपनी इंटरव्यू में कहा भी है कि वो राजेंद्र कुमार जी के साथ काम करते वक्त अपने आप को बहुत महफूज, बहुत सुरक्षित महसूस करती थी। दोस्तों राजेंद्र कुमार जी फिल्म मदर इंडिया में नरगिस के बेटे की भूमिका में थे और यही वो फिल्म थी जिस फिल्म से उनके जुबली करियर की शुरुआत हुई और ये भारत की पहली फिल्म थी जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई। दोस्तों 1969 में कला के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए राजेंद्र कुमार साहब को भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। फिल्म कानून और मेहंदी रंग लागियो जो कि एक गुजराती फिल्म थी, इस फिल्म में काम करने के लिए राजेंद्र कुमार जी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने द नेशनल ऑनर के अवार्ड से सम्मानित किया था। दोस्तों राजेंद्र कुमार साहब ने जिस रूप में भी काम किया सफलता उनके कदम चूमती रही, चाहे वो प्रोड्यूसर हो चाहे वो एक्टर हो। एज अ प्रोड्यूसर उन्होंने दो फिल्मों का निर्माण किया, नाम और लव स्टोरी। दोनों फिल्में ही बॉक्स ऑफिस पे बहुत हिट थी और राजेंद्र कुमार साहब 12 जनवरी 1999 को अपने जन्मदिन से 8 दिन पहले इस दुनिया को, इस बॉलीवुड को छोड़ के चले गए। लेकिन आज भी उनकी यादें हमारे भी जिंदा हैं, वो फिल्मों में हमारे भी जिंदा हैं, जिंदा रहेंगे। आज भी उनकी फिल्में देख के हम यही कहते हैं कि सिल्वर जुबली देने वाले इस जुबली कुमार को हमारा सलाम। ये तो था छोटा सा ज्ञान, अब बारी है 5 मस्त गानों की, तो सुनिए गाना नंबर 5, 4, 3, 2, 1। भाई आज के एपिसोड में बस इतना ही, पता है प्रॉमिस आज भी करके जाऊंगा, अगले एपिसोड में और धमाका होगा। सच्ची जो मैं कहता हूँ वो मैं करता हूँ, पर आप जो कहते हैं वो करते नहीं है। प्लीज करते रहिए, अपने चुटकुले अपने आइडियाज हमें मेल करते रहिए bigmagicmarketing@reliancebroadcast.com पे, और आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। टाइप कीजिए Big Top 20, एक बड़ा प्यारा सा चेहरा आएगा आपका जाना पहचाना चेहरा, उसे लाइक कीजिए और अपने जोक्स आप उस पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं। तो एंजॉय करते रहिए, तब तक गाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और सदा मुस्कुराते रहिए।
और देखते रहिए एंटरटेनमेंट की फुल गारंटी बिग टॉप 20 ओनली ऑन बिग मैजिक।